नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो क्या करें। आप सभी कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जस्ट तुरंत आपको मैसेज रिसीव होने लगते हैं, आपने 100% यूज़ कर लिया है, 50% यूज़ कर लिया, मगर क्यों। एंड उसके बाद तुम जाते हो किसी के पास इंटरनेट के लिए, फिर वो तुमसे पूछते हैं भाई तूने इंटरनेट कहाँ यूज़ कर डाला इतना। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में तुम चाहे गेमिंग करते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, लगता है तुम्हें यार मेरा इंटरनेट बहुत ही जल्दी डिक्रीज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, 1 GB 1.5 GB या फिर 4 GB बहुत ही जल्दी चुटकियों में ख़त्म हो रहा है, तो इस वीडियो में तुम्हें काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। अगर तुम वाकई में अपना सेव करना चाहते हो डेटा, प्लस जितना मर्जी यूज़ करो एप्लीकेशन लाइक फेसबुक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, तुम्हारा इंटरनेट खत्म नहीं होगा, होगा बट इतनी स्पीड के साथ तुम्हारा इंटरनेट खत्म नहीं होने वाला है जैसा कि अभी के टाइम हो रहा है। एंड आपको यकीन नहीं होता तो आप लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे, जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वो तुम भूल चुके हो टर्न ऑफ करना चाहिए। दोस्तों तुम्हारी बैकग्राउंड में कुछ ऐसी सेटिंग चल रही है जो कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली डेटा खत्म कर रही है, तुम्हें पता भी नहीं है। अब वो कैसे, अब तुम इस वीडियो में जान जाओगे। तो चलो यार वीडियो कर लेते हैं शुरू, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर तुम कोई भी सिम यूज़ करते हो, चाहे 1.5 GB है, 2 GB, एंड इनको गाइस अभी क्या भी रख देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ भाई वाकई में। तो इसके लिए दोस्तों तुम्हारी पहली सेटिंग है जो कि तुम्हारे फ़ोन में ही उपलब्ध है, जाके सेटिंग्स पे टैप ऑन करो, जैसे जाते हो तुम्हें देखने को मिल जाती है अबाउट फोन, तो इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हें देखने को मिल जाती है इस तरीके से, यहाँ पे बिल नंबर मिलेगा, वहाँ पे चले जाना। अदरवाइज तुम्हें एडिशनल सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे मिलेगी डेवलपर ऑप्शन। अब आप कहोगे भाई डेवलपर ऑप्शन क्यों, तो इसी में तुम्हारी जो है सेटिंग खराब हुई पड़ी है, वो चेक करो। देखो यहाँ पे जस्ट नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो भाई लोग, जैसे ही तुम यहाँ पे जाते हो तुम्हें स्क्रॉल डाउन करनी है, यहाँ पे तुम्हें एक सेटिंग मिलेगी जो कि तुम भूल चुके हो टर्न ऑफ करना, वो है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जैसे कि तुमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुमने सोचा कि भाई मैंने यहाँ से अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया, जैसे कि अब मेरा इंटरनेट ऑफ है, बट तुम्हें बताना चाहूँगा ये तुम्हारा इंटरनेट अभी भी ऑन है बैकग्राउंड में, वो कैसे, तुम्हें यहाँ से इसको टर्न ऑफ करना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, इसको टर्न ऑफ करो। अब तुम्हारा एक्चुअल में जो है बैकग्राउंड डेटा टर्न ऑफ हुआ है। अब ये बताऊँ दोस्तों क्या करता है, जैसे कि तुमने डिवाइस को ऐसे लॉक भी कर दिया ना, फ़ोन यूज़ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसीजर को रन कराने के लिए, एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में डेटा देने के लिए तुम्हारा इंटरनेट खाता रहता है, तो इसको तुम ऑफ करो। सेकेंड चीज़ क्या है, दोबारा से यहाँ पर चले जाओ, एंड डेवलपर ऑप्शन नहीं पता है कैसे एक्टिवेट होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी फ़ोन की अबाउट में जाना, बिल नंबर मिलेगा, बिल नंबर पे 5 to 7 टाइम इस तरीके से टैप ऑन करोगे तुम्हारा डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद इसी में चले जाओ दोबारा से, एंड यहाँ पे मैं बता रहा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट नीचे जाओ सिंपली, एंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है एक और सेटिंग जो कि तुम्हें डन करनी है, एंड उसके बाद दोस्तों मेन सेटिंग शुरू होने वाली है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को दोस्तों तुम 1 कर दो बस, इसका मतलब होता है जैसे कि बैकग्राउंड में तुम कितनी एप्लीकेशन को डेटा अलाउ करती हो, तो जस्ट 1 करो, जितना तुम यूज़ करो उसी पे फोकस होना चाहिए, ना कि फालतू की एप्लीकेशन पे। बैक करो, अब तुम्हें जाना है प्ले स्टोर पे। ध्यान रखना दोस्तों जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, एक भी स्किप मत करना अगर वाकई में तुम्हें डेटा सेव करके अपना इंटरनेट ज़्यादा करना है। अपने प्ले स्टोर पे जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे मिल जाती है सेटिंग, टैप ऑन दिस, जनरल नेटवर्क प्रीफ्रेंस, तो नेटवर्क प्रीफ्रेंस पे जाओ, एंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पे टैप ऑन करो। अब भाई लोग जैसे तुम यहाँ पे जाओगे, अगर तुमने यहाँ पे इस तरीके से इसको अलाउ करके रखा है, ऑटो अपडेट का मतलब होता है कि तुमने भाई अपने डिवाइस को अलाउ करके रखा है कि भाई मैं तुझे यूज़ करूँ या ना करूँ, तू बैकग्राउंड में मेरा डेटा लेकर एप्लीकेशन को अपडेट कर दे, तो तुम इनको ऑफ करो। जब तक तुम मैनुअली नहीं जाते हो कोई भी एप्लीकेशन को अलाउ मत करो, क्योंकि बैकग्राउंड में पता नहीं कितनी एप्लीकेशन के अपडेट पे जो है प्ले स्टोर पे अपडेट आए होते हो, तुम सभी को अलाउ कर देते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेटा जो ऑटोमेटिकली खाता है तुम्हारा डिवाइस एंड उन एप्लीकेशन को अपडेट करना शुरू करता है, तो तुम इसको यहाँ पे इस तरीके से जो ऑफ करो, ऑटो अपडेट को ऑफ ही कर दो जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे। जैसे कि तुम्हें बताता हूँ, इस तरीके से जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक करो, ऐप पे जाओ, एंड यहाँ पे देखो आ रही है अपडेट अवेलेबल, टैप ऑन दिस, तो देख लो टोटल यहाँ पे मेरे पास 11 एप्लीकेशन के अपडेट आए हैं। अब ये क्या है, जैसे कि तुमने यहाँ पे ऑटो अपडेट एक्टिवेट करके रखी है, तो तुम्हारा डिवाइस जो ऑटोमेटिक तुम्हारा डेटा लेकर एंड यहाँ पे उन सभी एप्लीकेशन को अपडेट पे लगा देगा। अब तुम देखो कि भाई मेरा डेटा कहाँ गया, तो वही रीज़न होता है तुम्हारा सारा डेटा ये खा जाती हैं। अगर तुमने गलती से भी ऑल कर दिया तो ये सारी अपडेट होना शुरू हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, तो कैंसिल कर दो ऑल इस तरीके से, एक एक करके अपडेट कर लो जो यहाँ पे तुम्हें जो अपडेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये अपडेट करनी है, इसको अपडेट कर लो, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना है। और यहाँ पे ऑटो अपडेट को टर्न ऑफ करो, दोबारा बताता हूँ, इस तरीके से जाओ, सेटिंग, नेटवर्क प्रीफ्रेंस, ऑटो अपडेट, एंड इसको जो है डोंट अपडेट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसको कर दो डन, ठीक है। बैक करने के बाद तुम्हें आप क्या चीज़ करनी है, इस तरीके से बैक कर दो, बैक करने के बाद तुम्हें जाना है अपने डिवाइस की सेटिंग पे, दोबारा से क्लिक करो। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार मिल जाती है, टैप ऑन करो ऐप लिस्ट, अब ऐप लिस्ट जैसे ही लिख देते हो यहाँ पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुम्हें देखने को मिल जाती है इस तरीके से एप्लीकेशंस,
एंड एप्लीकेशन पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल तुम कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, जैसे कि क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हो, अब आपको पता है कि क्रोम ब्राउजर लोग बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे तुम कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कोई वीडियो देखते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ भी तुम ब्राउजिंग करते हो अपने पर्सनली, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, एक चीज़ डन करो, तुम जाके अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके, जैसा कि आप सभी देखते हो तुम्हें जो है क्रोम ब्राउजर पे काफ़ी सारी फालतू की एड्स आती रहती हैं। रीज़न क्या होता है, तुम्हारा बैकग्राउंड में डेटा देता है इसलिए। तो इसको तुम यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से जाओ डाटा यूज़ डिटेल पे जाओ एंड इसको जैसे कि तुम यूज़ नहीं करते तो इसकी बैकग्राउंड डेटा टर्न ऑफ कर दिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें फालतू की ये जो है जो एडवर्टाइजमेंट और फालतू की चीज़ें ना भेजे, इसको ऑफ कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से बैक करो, पूरा ही बैक कर दो बैक। एंड इतनी सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको एक और चीज़ डन करनी है, जैसे कि तुम YouTube ज़्यादा चलाते हो, ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो YouTube पे ही इंटरनेट फूंक देते हैं अपना, तो इसके लिए तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे जाओ YouTube को सिलेक्ट करो, ठीक है, ये रही मेरी YouTube एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे हम। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों तुम्हें जो इस तरीके से देखने को मिल जाती है, यहाँ पे टैप ऑन करो एंड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी सेटिंग, ठीक है। अब तुम्हें इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हो तुम्हें इस तरीके से देखने को मिल जाती है, यहाँ पे तुम्हें सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाती है जिसका नाम है डाटा सेविंग, इस पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या ऑन करनी है, डाटा सेविंग मोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट सेटिंग टू सेव मोबाइल डेटा, ठीक है, मतलब कह रहा है कि जैसे कि तुम यहाँ पे इसको इनेबल कर लेते हो तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक जैसे तुम कोई वीडियो वॉच कर रहे हो, कई बार वीडियो बहुत ही ज़्यादा HD होती है, तुम्हारे पास इंटरनेट 1.5 GB है तो क्या होता है वो 1 GB तुम्हारा वही वीडियो ले जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी हाई क्वालिटी की वीडियो है और तुम क्या कर रहे हो, तुम कम, आपके पास डेटा भी कम है और इतनी हाई जो है वीडियो देख रहे हो, तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, इसको इनेबल कर दोगे ना तो ये जो है ऑटोमेटिकली उस वीडियो को कम क्वालिटी में कर देगा, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। कम क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही तुम्हें धुंधला करके दिखाएगी वीडियो, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी सी क्वालिटी एडजस्ट कर देगी आपके डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको इनेबल करके रखो, ऐसा नहीं भाई तुम्हारे पास डेटा ही 150 है और तुम जो है यहाँ पे 200 MB की हाई क्वालिटी की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं करना तुम्हें, इस तरीके से इनेबल कर लिया करो। अगर ज़्यादा वाईफाई है तो तुम इसको इनेबल करके रखो, फुल HD में देखते रहो, ठीक है। अगर तुम इसको इनेबल कर देते हो तुम यहाँ पे जाके खुद एडजस्ट कर सकते हो कितनी GB तो तुम्हें यहाँ पे अपनी डेटा यूज़ करनी है, बट इसको तुम ऑफ ही रखो, मेनली है यहाँ पे तुम इसको इनेबल कर लो, ठीक है, जो कि तुम्हें मैंने यूट्यूब पर बताया। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों बैक कर दो। बैक करने के बाद दोस्तों अब तुम्हें क्या करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हो तो उनको तुम मैनुअली भी ऑफ करो। ऑफ करने का मतलब जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे कई बार डेटा ऑन करते, तुम्हारी जो है फालतू की जो है व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाता सारा कुछ, तो इसके लिए भी तुम ऑफ कर सकते हो। वो जैसा कि दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हो, मैंने अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लिया, अब यहाँ पे तुम क्लिक करो एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद अब स्टोरेज पे क्लिक करो, यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा, अब यहाँ पे जाओगे देख लो यहाँ पे तुम्हारे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है सारा कुछ। अब ये जो है तुम्हें मिल जाती है मीडिया ऑटो डाउनलोड, तुम जो है डाउनलोड करना चाहते हो कि नहीं, ऑटो डाउनलोड पे आपको नहीं रखना है, ठीक है, अगर तुम ऑटो डाउनलोड रखते हो तो तुम्हारा जो है सारा कुछ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे, मैं तो कहूँगा आप कुछ भी सिलेक्ट मत करो, यानी कहने का मतलब अगर तुम्हें कोई फोटो वीडियो भेजता तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, तुम यहाँ से इसको ऑफ ही कर दो। देखो यहाँ पे आ रहा है वन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो सारा कुछ आ जाना चाहिए तुम्हारे डिवाइस में, अगर वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो तुम यहाँ पे ऑफ कर दो। जैसे कि यहाँ पे देख लो आ रहा है इस तरीके से डाटा रोमिंग जो है, इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें जो है ऑटो जो है यहाँ पे डाउनलोड को ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई भी बंदा भेजता है कुछ भी तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है व्हाट्सएप के जरिए, तो ये भी तुम्हारा डेटा खा जाता है, ठीक है। तो ये देख लो मिल जाती है फोटो क्वालिटी अपलोड, तो इसको तुम्हें ऐसे ही रहने दो, रिकमेंडेड इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे डाटा सेवर भी रख सकते हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम हाई क्वालिटी में फोटो वीडियो भेजते हो, अगर डाटा सेवर ऑन कर दोगे तो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी मगर तुम्हारा डेटा बचेगा। ये है दोस्तों सारी की वीडियो, आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ पूछना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिन भाई लोगों का इंटरनेट खत्म रहा हुआ है एंड वो परेशान हो जाते हैं भाई मेरा इंटरनेट गया तो क्या कहाँ, तो तुम इन वीडियोज़ को डेफिनेटली उन तक पहुँचा दो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट चला सकें। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।